हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चौधरी पटना बिहार से आज कराते हैं आपको अपने गार्डन का सैर। तो अभी गार्डन में मेरे क्या क्या चल रहा है और क्या क्या शिफ्ट किए हैं ये दिखा रहे हैं। तो और कितना आज बारिश हुई है कल, ये तो देखिए, मतलब ये किसी भी चीज़ में हमारा जो होता है, जिस तरह के हमारा स्वास्थ्य होता है उसी तरह से पेड़ पौधा का भी ये स्वास्थ्य होता है। तो देखिए, ज़्यादा पानी भी अगर ना हो पानी तो भी पेड़ पौधा सूख जाता है, अगर ज़्यादा पानी हो तो। देखिए इस तरह से पीला पत्ता, इसको करीब 4 दिन हुआ है शिफ्ट किया हुआ, तो ये 4 दिन के बाद पेड़ पौधा को देख रहे हैं कि किस हाल में है। तो देख रहे हैं कि पत्ता पीला, क्योंकि कल लगातार बारिश हुई है और परसों भी बारिश हो गई है। तो देखिए पत्ता इसका पूरा पीला हो रहा है इस तरह से जो। तो ये अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा और ये एलोवेरा और ये लेमन ग्रास, सॉरी लेमन ग्रास को लिक्विड बनाकर धरे हैं, जिसको कि अभी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, हल्का हल्का एक एक कप डालेंगे इसमें। तो देखिए कि इस तरह से हो गया है। तो हालांकि सही समय पे हम इसको शिफ्ट किए हैं और ये पौधा बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब, मतलब ये सब गार्डन में होते रहता है, ये नेचर का भाग है और कुछ नहीं जो। तो कुछ पौधा सही है और कुछ पौधा खराब हो गया है इस तरह से। तो देखिए इसको क्या करेंगे, अभी तो छोड़े रहेंगे 2-4 दिन के बाद, जब तक कि 1 सप्ताह हो जाता है तभी इसको पूरा पीला पत्ता हटा देंगे। और इधर ले चलते हैं, करने वाले हैं अभी हम बैंगन का हार्वेस्टिंग करने वाले हैं ये, और ये लाल साग, और क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा अभी कि लगातार बारिश होने के बाद में। अब इस तरह से पेड़ पौधा तो बहुत सुंदर हो गया है, और जब तक कि फ्रूट को सब हटाएंगे सब्जी को, तो फिर से नया फ्रूटिंग लेगा, जो छोटा छोटा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा जो। इस तरह से देखिए अभी बहुत छोटा छोटा है ये सब, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ देखिए इस तरह से ये पूरा बैंगन लग रहा है, और इस बार बैंगन अच्छा लगा है इसमें। और ये मेरा नया जो कि पौधा लगाए थे बैंगन का, तो देखिए वो भी अभी इतना बड़ा हो गया है और इसमें भी आ रहा है फूल इस तरह से। तो अभी मेल फूल आ रहा है, अभी फीमेल फूल नहीं लगा है जो। तो और दिखाते, एक पॉली बैग में मेरा ये नेनुआ लगा हुआ है, लेकिन ये इसको बस हरियाली के लिए छोड़े, वो हम जानते हैं इसमें नहीं, क्योंकि इसको कितना स्पेस मिलेगा, ये बैल वर्गीय सब्जी है तो इसको तो बड़ा स्पेस चाहिए। तो बस ऐसे ही हरियाली के लिए छोड़ दिए है इधर में जो। तो ये देखिए पोल का साग है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, जिसको कि मालाबार स्पिंच हम जो कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पोल का साग कहते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको एक स्टिक के सहायता से और इसमें रस्सी बांध कर और लगा देंगे, ऊपर कर देंगे, तो ये बेल जैसा चला जाएगा। और इसको करने वाले हैं, यहाँ से कट करने वाले हैं, ये मेरा अरूल का पौधा है, पेड़ है। तो इसको सभी को हम क्या करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे, क्योंकि अब फूल बहुत कम आ रहा है, जो आ रहा है बाकी कम आ रहा है, इसलिए इसको हम कटिंग करेंगे। और देखिए ग्रेप्स इस तरह से हो गया है, घना घना सा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी इसको रहने देंगे, अभी इसको कटिंग नहीं करने में। अब मेरे यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी पिटूनिया का सीज़न नहीं है, लेकिन पिटूनिया इसमें खिल रहा है, ये देखिए ये पिछले साल का उसमें जड़ रह गया था और नया नया निकल आया फिर से। तो देखिए बहुत अच्छा पेड़ पौधा का भी चल रहा है बहुत। ये देखिए मिर्ची को है, अब हम करने वाले हैं मिर्ची को शिफ्ट करने वाले हैं, मेरा मिर्ची भी इतना बड़ा हो गया है। तो ये सूर्यमुखी मिर्ची है और सभी को शिफ्ट करेंगे। और जो इसमें बैंगन लगाए हुए थे, तो बैंगन भी अब इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उधर ले चलते हैं फ्रेंड्स और दिखाते हैं। एक तो बैंगन इसमें शिफ्ट किए हैं,
और भी बैंगन दिखाते हैं उधर से। ये बैंगन का पौधा है जो कि बड़ा बड़ा पॉली बैग में रखेंगे। और देखिए इतना बड़ा मेरा ये ककड़ी अभी हो चुका है, तो इसको भी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो वीडियो बनाएंगे हार्वेस्टिंग का। लेकिन देखिए इस तरह से इसको छुपा कर रख रहे हैं, नहीं तो सिम्बा इसको तोड़ देगा। तो देखिए अभी गार्डन में, और ये अब ये इतना ही बड़ा रह रहा है, ये अब बड़ा नहीं जल्दी हो रहा है। ये बड़ा हो जाता जल्दी से तो इसको हम ग्रो बैग को खाली करते। इसमें भी अब नहीं, एक भी छोटा छोटा सा है, लेकिन कर देंगे इसको हम खाली कर देंगे, पूरे बेल को हटा देंगे। और ये बोड़ो का है पौधा, देखिए इस तरह से पत्ता को पूरा खा रहा है। एक कीड़ा रहता है जिसको इल्ली कहते हैं, तो वो पौधा पूरा खा, ये पत्ता ही खा जाता है। तो करेंगे इसमें नीम का छिड़काव करेंगे, नीम ऑयल का। और देखिए ये पपाया है, तो पपाया अब इतना बड़ा हो गया मेरा पपाया। उतना हम केयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पपाया का पौधा हमको पसंद नहीं है। और देखिए ये इतना ज़्यादा इसमें फ्रूट लग गया है कि नीचे भी गिर रहा है, और भर कर फ्रूट बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है। तो ये गिलहरी को खाना का व्यवस्था किए हुए हैं, तो ये गिलहरी चिड़िया ये सब खाना यहाँ पे खाती है। और देखिए मेरे यहाँ पूजा भी शाम के टाइम भी हो गया है, देखिए कितना अच्छा। ये ड्रम स्टिक है सहजन, ये पूरा इसमें शिफ्ट कर दिए और बहुत अच्छे से ये सरवाइव कर रहा है। ये अपराजिता का है जो बेल इतना बड़ा हो गया है, तो इसको हम हटाने वाले हैं, दूसरे जगह शिफ्ट करने वाले, क्योंकि इसको बिल्कुल खाली करने वाले हैं चीकू में, क्योंकि चीकू में आ रहा है अब इस तरह से फूल। तो देखिए तो इस सबको साफ कर देंगे, साफ ऑलरेडी हो चुका है, बस ये अपराजिता को हटा देंगे। इधर देखते हैं इस साल नींबू आता है या नहीं आता है, तो इससे हम एयर लेडिंग करेंगे, और बरसात के ही सीजन में एयर लेडिंग से तैयार होता है। तो देखते हैं, एक पौधा बना लेंगे, एक से दो, उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, हटा देंगे। और देखिए मेरा बेल बहुत अच्छा चल गया है, बहुत अच्छे से पूरा बेल को, मेरे हस्बैंड हर दो दिन में ऊपर बेल को हटाते रहते हैं, क्योंकि वो जो तार छड़ है ऐसा नहीं कि उस पर पहुँच जाए, इसलिए हर दो दिन में उसको हटाते रहते हैं। और देखिए इधर भिंडी को, तो भिंडी को भी क्या किए, भिंडी अभी छोटा छोटा है, तो भिंडी को कल इसका तोड़ेंगे। अब इसमें रेड भिंडी पहले मेरा लग गया है, और ग्रीन भिंडी में छोटा छोटा फूल लग रहा है इस तरह से, तो ग्रीन वाला भिंडी अभी नहीं आया है, और रेड में इसमें भी आ चुका है, देखिए भिंडी लग चुका है। तो रेड भिंडी मेरा करीब पाँच से छः पौधा है, तो काफ़ी है इतना छोटे बच्चे के लिए। और देखिए ये बैंगन, तो ये बैंगन का देखिए पौधा बड़ा बड़ा हो गया है, और इसको क्या करेंगे अभी हम कहीं पे शिफ्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। इसके ये जो मिक्सचर का पॉली बैग आता है ये 1 kg वाला, उसी में हम एक एक पौधा को लगाकर और छोड़ देंगे, क्योंकि करीब करीब उसमें मेरा 2 से 2 महीना रह जाएगा। तो इसको हम करने वाले हैं करीब अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ये हाँ अगस्त सितंबर छोड़ के और अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही लगा देंगे हम, जो शिफ्ट कर देंगे। तो अभी हम रहने देंगे जो इस तरह से, देखिए ये लॉन्ग ये नेनुआ है बीटर गार्ड, तो देखिए कहाँ ऊपर चला गया है ये देखिए। तो इसको आज हटाने वाले हैं ऊपर से बेल को खोलकर, और वापस नेट पे फैलाने वाले हैं। और ये लौकी में देखिए फूल आ रहा है इस तरह से, जो जितना भी फूल है वो सभी फूल फर्स्ट में तो आता है मेल फूल ही, तो मेल फूल आने लगा है, और उसके बाद फीमेल फूल, तो इधर हाँ फीमेल फूल भी आ गया है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से जो, तो इस तरह से फीमेल फूल होता है जिसमें कि इस तरह से बड्स बन चुका है। अब इसमें अगर अच्छे से पॉली
ये पॉलिनेटर इसमें पॉली लगा देगा तो ये फल सेट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी ये चिचिंदा का है, जो ये स्नेक गार्ड, तो ये भी ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि अब इसको भी अच्छे से नेट पे फैला दिए। हाँ, पत्ता पीला हो रहा है जो कि अभी हम बहुत सारा ये पत्ता को भी हटाए हैं। और ये देखिए मूली, तो मूली में क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा, ये देखिए बारिश होने के बाद में मूली क्या होता है कि गिरने लगता है इसका, तो क्या करेंगे जितना भी मूली है सभी पे इस तरह से ये मिट्टी थोड़ा थोड़ा दे देंगे यहाँ पे। और इसमें हम रेड राउंड मूली लगाए थे तो इसमें अभी पूरा अच्छे से नहीं निकला है, दो चार करके इसमें अभी ये देखिए इस तरह से कहीं कहीं पे आया हुआ ये। तो देखते हैं इसमें कब तक आता है। और ये जो रेड अमृत करके है ये देखिए, तो इसका हम सीड तैयार कर लिए हैं, ये लाल साग का। तो इस तरह से हमारा सीड घर से ही हो जाएगा, मेरे गार्डन से ही मिल जाएगा। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और ये अब पूरा लुढ़कने लगा है इस तरह से। तो यहाँ पे अभी बांध देंगे क्योंकि जब तक कि अभी पूरा अच्छे से मैच्योर ना हो तो अभी इसको हटाएंगे ना। इस तरह से इसको लगा कर छोड़ दे रहे हैं ताकि ये गिरे नहीं। और इधर में देखिए दो लौकी जो इसमें लगा हुआ है, ये लौंग, ये कद्दू है। तो देखिए इसको, इसका भी बेल अब इतना बड़ा हो गया, तो सब सही चल रहा है। लेकिन इसमें जो है ये लीफ कर्ल का देखिए, और एक बीमारी होता है जो लीफ कर्ल का, उस तरह से हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि हम पूरा पौधा इसमें से इसको निकाल देंगे। हालांकि इतना बड़ा बेल हो चुका है लेकिन अब ये इसमें पत्ता अभी भी उसी तरह से हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पूरा को हटा देंगे या फिर कटिंग करके देखेंगे कि अगर सुधर जाता है तो रहने देंगे, नहीं तो हटा देंगे। और देखिए मेरा कनेर में भी पूरा फूल आ रहा है भर के। और ये मेरा कुकुम्बर है, ये देखिए सांबर कुकुम्बर करके है, तो ये बहुत अच्छा हो गया है। अभी इसमें एक पौधा है और एक इधर लगा हुआ है, इसमें करीब तीन पौधा है। तो तीनों को चलने देंगे क्योंकि बहुत बड़ा ग्रो बैग है। और देखिए लाल साग मेरा बड़ा बड़ा सा इतना बड़ा बड़ा हो गया है, तो लाल साग को भी कटिंग करेंगे और ये जितना बड़ा है सभी को हटा देंगे, काट करके हार्वेस्टिंग कर लेंगे और जितना भी छोटा है उसको छोड़ देंगे इस तरह से। तो इस बार बहुत ज़्यादा लाल भाजी हमको यहाँ से मिलने वाला है। अब इधर ले चल रहे हैं फ्रेंड्स। और देखिए इधर में बोरों का क्या हाल है, तो ये देखिए इसमें पूरा अच्छे से नया नया पत्ता भी आ गया है और ये इतना बड़ा बेल भी हो गया है। तो बारिश का एक ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत तेज़ी में पेड़ पौधा ग्रोथ करता है। इसको निकालते हैं। इसमें देखिए हम पूरे में लगा चुके हैं, देखते हैं अभी अंकुरित हुआ है या नहीं। तो इसमें देखिए हम, ये देखिए फ्रेंड्स, तो कहीं कहीं पे ये अंकुरित हो चुका है, ये देखिए ये। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, ये कपड़ा हटा देंगे, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे और कल सुबह में हटाएंगे इसको। तो इस तरह से पालक है, ये देखिए ये ग्रो बैग 12 12 18 करके है। तो इसमें हम क्या किए हैं, ये देखिए लाइन से चार ग्रो बैग में हम पालक लगा दिए हैं क्योंकि इसमें हम लगाने वाले हैं गोभी। तो जानबूझकर हम लीफी भेज लगा रहे हैं इसमें ताकि हम इसको आसानी से दो बार इसको कटिंग करने के बाद में पालक को, उसके बाद तीसरे बार में हटा देंगे क्योंकि गोभी का मेरा पौधा तब तक में ये मैच्योर हो जाएगा। तो अभी और इधर ले चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरा सतपुतिया का, ये देखिए जिसको कि यहाँ पे छोटा वाला ये झिंगनी कहते हैं जो। तो देखिए इस तरह से बेल बहुत अच्छा चल रहा है और ये मेरा जो बनाए थे हाथ से वही है।
और ये देखिए ये ककड़ी, ककड़ी एक रह गया है इसमें, अगर ये ही एक ही सक्सेस हो जाए तो बहुत ककड़ी आने वाला है। और सारा पौधा को इधर से हटा दिए हैं देखिए, तो जब भी मौका मिले तो इस तरह हल्का मिट्टी को इस तरह से थोड़ा सा ये देखिए हल्का गुराई कर देने से क्या होता है, मिट्टी बिल्कुल ये इसमें ऑक्सीजन भी मिलता है अंदर, ताकि और मिट्टी जल्दी पानी को जितना भी स्टोर हो जाता है जो मतलब सूख जाता है जल्दी में। और इधर में देखिए चार पांच ये मेरा टमाटर रह गया है, तो इसको शिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये इतना बड़ा ग्रो बैग है, जो कि हम आम का पेड़ लाए थे उसी में क्या किए हैं, दो बैंगन को इसमें लगा कर छोड़ दिए हैं, तो ये नहीं दो महीना इसमें आराम से रह जाएगा इसमें एकदम, और दो महीना के बाद में ही ये फर्स्ट ये अक्टूबर से पहले ही लास्ट सितंबर में ही हम सभी को शिफ्ट कर देंगे, और पुराना जो मेरे पास बैंगन जो इसमें अभी फल लग रहा है तो उस बैंगन को हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये देसी वेराइटी लौकी है, तो अब इसका पत्ता देखिए कितना अच्छा हेल्दी है, और ये इतना बड़ा हो चुका है। और इधर में देखिए करेला अब ऊपर चला गया है, जो तो इस समय मेरा करेला जो है तो फल जाता था, लेकिन शायद लेट से हम लगाए ही हैं, तो अभी ऊपर चल चुका है, अब इसमें भी फूल आने वाला ही है। तो इधर में देखिए सेम फली, जो सेम फली बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं, और दो तीन तरह का सीम लगा चुके हैं, ये देखिए इसमें भी ये 18x18 का है, जिसमें कि दो बेल तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसको हम साइड से लगा ज़्यादा होने की वजह से, तो देखते हैं सही रहेगा तो नहीं तो फिर हटा देंगे। और इसमें देखिए क्या किए हैं कि इस तरह से पूरा बेल हो गया था, तो इसको हम बोरा में इस तरह से शिफ्ट कर दिए हैं ऐसे। और इधर फ्रेंच बीन्स उतना अच्छा नहीं हो रहा है,